हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मींस जो फसलें हैं उनमें क्या लेकर आना, वैरायटी लेकर आना। इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि किसान किस टाइप की फार्मिंग सिस्टम करते हैं जिससे कि वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं और इंक्रीज़ करते हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच क्रॉपिंग सिस्टम इज़ अडॉप्टेड इन सम माउंटेनियस सीजन, वो एरिया जहाँ पर पहाड़ कम होते हैं, मीन्स कम उपपहाड़ी एरिया में। तो आंसर इज़ राइस एंड वीट। सेकेंड इज वट इज़ द मेन क्रॉपिंग सिस्टम इन द साउथ एंड वेस्टर्न रीजन। साउथ वेस्टर्न रीजन में मेन क्रॉपिंग क्या, कौन सी मेन फसलें उगाई जाती हैं, तो उनका आंसर क्या है, कॉटन एंड वीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिव एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम की एक साथ में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना, तो वो कौन सी है, मेज। देखो एक ही टाइम पे जो किसान है मेज भी उगा रहा है, पोटैटो भी उगा रहा है एंड मूंग भी उगा रहा है, या फिर ग्राउंड नट, पोटैटो, बाजरा। ये है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ मच वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग एवरी ईयर इन द सेंट्रल पंजाब ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ राइस, कि हर साल राइस की खेती के कारण, चावल की खेती के कारण हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कितना कम होता जा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 74 सेंटीमीटर पर ईयर इतना वाटर लेवल क्या हो रहा, घटता जा रहा है। विच बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, तो उसका आंसर इज रिजोबियम। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज विच फर्टिलाइजर कैन बी सेव्ड इन दानीचा बासमती वीट क्रॉपिंग सिस्टम, कौन सी फर्टिलाइजर से हम दानीचा बासमती और वीट क्रॉपिंग सिस्टम को बचा सकते हैं, तो उसका आंसर है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच क्रॉप्स आर इम्पोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, कौन कौन सी क्रॉप्स हम इंडिया में दूसरे देशों के द्वारा लाई जाती है, तो इम्पोर्ट की जाती है, ठीक है, लाई जाती है, तो वो कौन सी है हमारे यहाँ, पल्सेस, ऑल सीड क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मैनी डेज बिफोर बासमती ट्रांसप्लांटिंग ग्रीन मैन्योर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फील्ड, बासमती की प्लांटेशन से पहले कितने दिन तक हमें ग्रीन मैन्योर खेतों में डालने पड़ते। तो जस्ट एक दिन पहले हम खाद डाल देते हैं, उसके बाद हम उनके बीज उगा देते हैं। वट परसेंटेज ऑफ एरिया इज अंडर इरीगेशन इन पंजाब स्टेट, 98% एरिया हम सिंचाई के लिए से यूज़ करें। हाउ मैनी अप्रोक्सीमेटली आर इन द पंजाब, कितने हैं ट्यूबवेल हमारे यहाँ, देखो यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 40 लाख लिखे हैं, ये रजिस्टर्ड है, फिर भी बहुत सारे ट्यूबवेल है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो इनकी तादाद हम कह सकते हैं अनगिनत है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के आंसर इन 1 to 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो कि आपके चैप्टर के नेम से ही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रेफर टू अल्टरनेटिव क्रॉप उगाना एक ही एरिया में अंडर द कन्वेंशनल सोल क्रॉप्स, जिसमें वीट राइस के साथ साथ हम कौन सी क्रॉप उगा रहे हैं, मेज, पल्सेस, बासमती, शुगर केन, पोटैटो, ऑयल सीड क्रॉप्स, ये सारी हम कन्वेंशनल क्रॉप के साथ हम ये फसलें उगा रहे हैं। विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इन ड्राई लैंड एरिया, उस एरिया में जहाँ पे पानी कम होता है कौन सी क्रॉप हम उगा सकते हैं, या फिर जो मिट्टी जहाँ की बहुत ड्राई होती है, तो ऑयल सीड क्रॉप। एंड लिस्ट मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, देखो मेज के साथ हम कौन कौन सी दूसरी अल्टरनेटिव क्रॉप्स उगा सकते हैं, डैट इज़ पोटैटो, समर मूंग, सनफ्लावर, या फिर मेज, पोटैटो और टोरिया, और या फिर सनफ्लावर, मेज, पोटैटो, ओनियन, या फिर मेथा, मेज, गोभी, सरसों, मूंग, ये सब अल्टरनेटिव है जो कि हम मेज के साथ हम उगा सकते हैं। अनलिस्ट फॉर्डर बेस्ड
क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, फोडर बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम में कौन कौन से आते था, मीज, बरसीम बाजरा, मेज, बरसीम मेज और काउपी, ये सब हम फैडर बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम होती है। राइट सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम के क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इज हाई यील्ड कैन बी टेकन फ्रॉम द स्मॉल लैंड होल्डिंग, क्लाइमेट चेंज हो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लाइमेट चेंज कैन बी टैकल्ड, ठीक है, हम क्लाइमेट चेंजेस को हम बचा सकते हैं, ठीक है। हाई यील्ड कैन बी टेकन फ्रॉम स्मॉल होल्डिंग है, इसका मतलब कि छोटी सी जगह से हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को हम बचा सकते हैं अगर हम इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के यूजेस को हम, केमिकल फर्टिलाइज़र के यूजेस को हम कम कर सकते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन इन मेंटेन और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, एग्रो इकोसिस्टम मेंटेन होता है और हम नेचुरल इन्वायरमेंट को हम कंजर्व कर सकते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम की हेल्प से। नाउ विच एंटरप्राइज बी अडॉप्टेड इन इंटीग्रेटिंग क्रॉपिंग सिस्टम, कौन कौन से हम एरिया हम इसके अंदर ले सकते हैं, तो फिश फार्म ले सकते हैं, फ्रूट की खेती, वेजिटेबल की खेती, ड्राई डेयरी फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, पिग फार्मिंग, गोट फार्मिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रोफोरेस्ट्री लाइक पोलर, ये सारे हम इसके अंदर ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट अबाउट द सोर्स ऑफ इरीगेशन इन पंजाब, पंजाब में सिंचाई के साधनों की बात करें तो पंजाब का जो 98% एरिया है वो सिंचाई के अंदर आता है, हमारे यहाँ 14 लाख ट्यूबवेल पाए जाते हैं और कैनल सिस्टम, नहरों का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में पानी बिछाने के लिए। नेम द अल्टरनेटिव क्रॉप डैट कैन बी कल्टिवेटेड इन द सेंट्रल पंजाब ओवर राइस एंड वीट, ठीक है, अल्टरनेटिव क्रॉप्स की बात की है, राइस एंड वीट के अलावा वो कौन कौन सी है, मीज, पोटैटो, पी, शुगर केन, बासमती, सनफ्लावर, मस्क मिलन, चिल्ली और अदर वेजिटेबल। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द नेम ऑफ द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन सब माउंटेनियस रीजन, तो मेन जो सब माउंटेनियस रीजन में कौन कौन सी उप पहाड़ी मैदानी इलाकों, उप पहाड़ी इलाकों में कौन कौन सी जो है फसलें उगाई जाती है, तो उसका आंसर है वीट, मीज, पैडी, बासमती, पोटैटो, ऑयल सीड एंड पी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच क्रॉपिंग सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड इन एरिया हैविंग द लाइट ऑयल सॉइल, उन एरिया जहाँ की मिट्टी बहुत पतली होती है या फिर मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं, उस एरिया में हम कौन सी फसलें हमें उगानी चाहिए, तो ग्राउंड नट उगाने चाहिए, ठीक है, इसके अलावा हम पोटैटो, ग्राउंड नट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि ग्राउंड नट के साथ साथ हम दूसरी फसलें भी उगाते हैं, देखो या तो हम ग्राउंड नट उगाते हैं उसके साथ हम पोटैटो या फिर तोरिया या फिर वीट उगा देते हैं, या फिर ग्राउंड नट के साथ हम पोटैटो बाजरा उगा लेते हैं, या फिर ग्राउंडनट, तोरिया और गोभी, सरसों हम उसके साथ उगा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपके 5 to 6 सेंटेंस के आंसर है, व्हाट डू मीन बाय क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, राइट अबाउट इट्स एम एंड सिग्निफिकेशन, देखो हम वेरी शॉर्ट में पढ़कर आए हैं तो इट मीन्स अभी हम शॉर्ट में पढ़कर आए हैं तो इट मीन्स शॉर्ट का जो आपका था आंसर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप अंडर द कन्वेंशनल क्रॉप्स लाइक वीट एंड राइस के साथ हम दूसरी क्रॉप्स को हमने उगाना, लाइक मीज उगाना, पल्सेस उगाना, बासमती उगाना, शुगर केन उगाना, पोटैटो उगाना, ये सारी ग्रुप। एम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और उसे फ्यूचर के लिए बचा सकें, बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकें लेस एरिया से, और क्रॉप रोटेशन से हम सॉयल और वाटर को भी हम कंजर्व कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो राइस वीट क्रॉपिंग है की खेती के लिए हमें 215 सेंटीमीटर वाटर हर साल में चाहिए होता है, और 80% ऑफ वाटर हम बात करें इसमें से राइस की खेती में यूज़ हो जाता है। ये कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस की खेती के कारण फिजिकली एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही जा रही है, ठीक है। पिछले 50 सालों से अंडर द कल्टीवेशन ऑफ राइस हमें इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एरिया अंडर द ग्राउंड नट, ऑयल सीड, कॉटन एंड पल्सेस, इनके प्राइस बढ़ गए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिसर्च पोर्शन है जिससे वाटर को भी बचा सकते हैं, हम सॉइल की हेल्थ को भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाई देर इज द क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, नीड फॉर क्रॉप इंटेंसिफिकेशन डिस्क्राइब इन डिटेल विद द एग्जांपल। देखो इंटेंसिफिकेशन क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक साथ में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप एक साल में उगाना। क्रॉप्स आर सोन इन द टाइम बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप एंड सोइंग ऑफ द नेक्स्ट, इन दोनों हार्वेस्टिंग से पहले और दूसरी खेती दूसरे बीज उगाने से पहले के टाइम पे हम दूसरी खेती दो या दो से अधिक क्रॉप्स की खेती करते हैं। नीड क्यों है, सबसे पहले क्रॉप इंटेंसिफिकेशन हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, बीसी गई है कि छोटे से एरिया में हमें ज़्यादा पैसे कमाना, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, केमिकल फर्टिलाइजर के यूसेस को रिड्यूस करना, बैलेंस न्यूट्रिशन मेंटेन करना और अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए लेकर आना, एग्रो सिस्टम मेंटेन करना और नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा के रखना फ्यूचर यूज़ के लिए। फिर उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ इग्मिनियस क्रॉप से सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि ये नाइट्रोजन एंड रिजोम को क्या कहती है, बैलेंस करती है। दिस सेव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में हेल्प करता है। ग्रीन मैन्योर बेस्ड में जांतर और मेज आ जाते हैं, मेज बेस्ड में मेज पोटैटो, मूंग और सनफ्लावर, ठीक है। सोयाबीन बेस्ड में सोयाबीन, वीट, कोकोपिया, काउपिया एंड काउपी सॉरी एंड ग्राउंडनट बेस्ड में ग्राउंडनट, पोटैटो, तोरिया। ग्रीन फोडर बेस्ड में मेज, बरसीम एंड बाजरा, ये सारी हम खेती करते हैं। राइट अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सिस्टम, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सिस्टम आर एक्सप्लेन बिलो। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन है जो पंजाब है हरित क्रांति के बाद, क्रॉप साइकिल ऑफ पैडी एंड राइस इन दोनों की खेती के बीच में ही वो स्ट्रक्ट हो चुका है। ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ दीज टू क्रॉप जो पानी का लेवल है डे बाई डे नीचे होता जा रहा है और हम डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर लाइक वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण सॉइल डैमेज हो रही है और वाटर रिसोर्स और उनकी जो सॉइल है उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है। एरिया अंडर ऑयल सीड क्रॉप और मतलब कि बीज तेल की खेती करना, तेल के बीज की खेती करना और पल्सेस की करना वो क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल इन साउथ वेस्टर्न एरिया वहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ रही है। वाटर लेवल हमारा 45 सेंटीमीटर एवरी ईयर रिड्यूस होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मोटर लगा रहे हैं वाटर को इंक्रीज करने के लिए और हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज भी कर रहे हैं। न्यू स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड वीड भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिफिकेशन डिक्रीज हो रही है और क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डिस्क्राइब इन डिटेल विद द एग्जांपल। एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मीन्स अ फार्मर कैन अडॉप्ट वन और टू अडेशन एंटरप्राइज अदर देन एग्रीकल्चर, खेती करने के साथ साथ फार्मिंग करने के साथ साथ दो या दो से अधिक दूसरे एंटरप्राइज जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड है उनका साथ साथ काम करना। इससे फार्मर को अपनी फैमिली के लिए एडिशनल इनकम हो जाती है, उसके फैमिली मेम्बर भी इसमें उसकी हेल्प कर देते हैं और न्यूट्रिशन फूड जो है पूरी फैमिली को प्रोवाइड हो जाता है। कौन कौन से आ जाते हैं, ये कौन कौन से मतलब कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कौन कौन से एडिशनल एंटरप्राइज आ जाते हैं, तो ये है फिश फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, डायरी फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, पिग कोट, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड एग्रोफोरेस्ट्री लाइक बोलो, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, What do you mean by intercropping system? Describe with the एग्जाम्पल। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम मीन्स मिक्स क्रॉपिंग करना, ये इसलिए की जाती है ताकि हम स्मॉल एरिया से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके और जो मेन पॉपुलेशन है उसकी नीड को हम फुलफिल कर सके। फैक्ट्रीज के इंक्रीज होने के कारण, इंडस्ट्रियल रेजिडेशन इंक्रीज होने के कारण तो जो लैंड है कल्टिवेशन की जहाँ पर खेती बाड़ी होती है वो डे बाई डे क्या होती जा रही, ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए हमें देर इज़ अ नीड ऑफ द आवर टू बी ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना अवेलेबल टाइम से। फॉर दिस हम इंटरमीडिएट क्रॉपिंग इज डन, जैसे कि मेज और मूंग, आहार और मूंग, सोयाबीन और मूंग, इनके साथ साथ हम खेती कर रहे हैं मेज और सोयाबीन, मेज और मेज फॉर ग्रीन फोडर और ग्राउंडनट, कॉटन और मेज। ड्यू टू द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हमारी जो खेती मेन क्रॉप है उस पर कोई भी बैड असर नहीं पड़ता और सॉइल की फर्टिलिटी
भी मिलती है, मेंटेन रहती है, और जो वीड की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाती है। वीड मीन्स जो घास होती है, ठीक है, बिना अपने आप उग जाती है, वो उनकी प्रॉब्लम भी रिड्यूस होती जा रही है। इससे विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।